हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है शब्बीर खान। तो आज अपन बात करेंगे पठान मूवी के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा अच्छी कमाई कर रही है और बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले तो इसकी जो इनकम है वो अभी तक क्या हुई है और दूसरी बात की इसकी स्टोरी कैसी थी। ठीक है, तो अपन स्टोरी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। अगर अपन बात करें कि पठान ने जो है अभी तक कितना कमाया है, तो मैं आपको बता दूं कि 7 दिन के अंदर अंदर लगभग 14 दिन में ही पठान जो है 400 करोड़ अपने क्रॉस कर चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और इस मूवी ने बता रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड, काफी मूवी के रिकॉर्ड जो है ये तोड़ चुकी है। इंडिया में कमाई करी थी अपना 265 करोड़ रुपए की, और वो भी सिर्फ इंडिया का कलेक्शन नहीं है, और जो अब्रॉड का कलेक्शन था वो था आपका 164। बहुत सारी मूवीज के जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं है कितनी मूवीज की रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 34 दिन पे जो ये 400 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी। अगर हम 5वें दिन की बात करें तो इसने जो है लगभग 542 करोड़ तक की कमाई करी थी। हाँ, 542 करोड़, तो ये जो है काफी ज्यादा होता है, लेकिन यार मूवीज वगैरह के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो पिक्चरों में तो इतनी कमाई हो ही जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना भी तो है किंग खान, ऑब्वियसली बात है यार, किंग खान है तो टूट जाते हैं रिकॉर्ड वगैरह। अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो कुछ ज्यादा यूनिक स्टोरी नहीं थी। स्टोरी जो है वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर दिखाई गई है, जो कि अपने पाकिस्तान के कुछ कर्नल वगैरह होते हैं जो इंडिया में पता नहीं किस बात का टारगेट करते हैं, उसीलिए वो जो है जॉनी डेप को हायर करते हैं। लेकिन यार हायर करने से क्या होगा, जब अपने शाहरुख भैया पहले से इस मूवी में हैं और जब इंडिया के जो सीक्रेट एजेंट दिखाए हैं, तो यार कौन जीत पाएगा भाई यूरोपीय एसआरके से, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जॉनी इब्राहिम जो है उनके लिए काम करने लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ये दिखाई कि जॉनी इब्राहिम ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया। तो ये जो थोड़ा सस्पेंस है ये आप जो है सिनेमा घर में जाके ही देखिए, और बहुत ज्यादा अमेजिंग सीन दिखाया है ये वाला। मैं जो एक किरदार और दिखाया है वो है दीपिका पादुकोण का, जो थोड़ी सी कंफ्यूज दिखाई है अपने कैरेक्टर को लेके कि मैं जो है अपना यहाँ रहूं कि वहां रहूं इस चीज को लेकर। लेकिन ठीक है, फिर भी उनके बाद में भी समझ में आ गई यही चीज कि उन्हें आखिर में जो है करना क्या है। और अगर अपन डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स जो है मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे से डायलॉग उठाए गए हैं। उसमें जो डायलॉग चल रहे हैं वो डायलॉग इस पिक्चर में डाले गए हैं, जैसे कि वुमेन वाला डायलॉग था एक, वही बॉम्ब लग रही हो, ये वो फलाना ढिकाना, इस टाइप के भी थोड़े डायलॉग है मूवी में। लेकिन हाँ, वो थोड़े अच्छे हैं क्योंकि यार डिलीवरी जो है शाहरुख खान ने दी, तो ऑब्वियसली बात है डायलॉग भी अच्छे ही लगेंगे। और ऑडियंस तो बहुत ज्यादा दीवानी है ही है इस पिक्चर के लिए। पब्लिक जो है किस तरीके से हॉल में जो है मस्ती कर रही है, कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है पठान मूवी को लेकर। मूवी तो हिट होनी ही थी। खैर, अब आगे देखते हैं और ये क्या दहलका मचाती है और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। गाइस, फिर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा और आपको किस बेसिस पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उन बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।